थाना सिकंदरा पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए थाना सिकंदरा क्षेत्र में अवैध रूप से दवाइयां बनाने वाली एक और नई फैक्ट्री को पकड़ा है, जिसके संबंध में पुलिस उपायुक्त नगर ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि किस तरह से नकली दवाइयों को गोरख धंधा आगरा में चल रहा था। पुलिस वाला न्यूज के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से प्रदीप दुबे। देखिए, आज सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा और थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से थाना सिकंदरा क्षेत्र में फैक्ट्री एरिया में फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें अवैध रूप से दवाओं का की मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही। इसमें संबंधित ड्रग्स विभाग को भी इंफॉर्मेशन दी गई और ड्रग्स विभाग के अधिकारी हमारे संपर्क में मौजूद हैं और अभी इनके द्वारा जाँच की जा रही है कि इन दवाओं का कंपोजिशन क्या है, जो सैंपल लिया जा रहा है और सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरी विधिक कार्रवाई को करते हुए जो भी संलग्न धाराएं होंगी उनमें अभी कुछ दिन पहले एनटीएफ और आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी, दो फैक्ट्रियां पकड़ी थी, क्या उस फैक्ट्री का कनेक्शन निकल पाया? फिर इसका अभी तक कोई उससे कोई संबंध नहीं ऐसा प्रकाश में आया। यदि कोई ऐसी बात होती है तो सूचना में अभी यहाँ पे आवश्यक कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में यहाँ से रॉ मटेरियल और ऐसी शीशियां बरामद हुई है जिनके लिए लेबलिंग की जा रही है, मार्केट में खपाया जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कौन वो ऐसे पूरे सिंडिकेट में लोग शामिल? देखिए, अभी तो कुछ देर पहले ही ये रेड जो स्टार्ट हुई, तो इसमें एफआईआर रजिस्टर करते हुए इन सारे फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें सारी बात सामने। अब तक कितने लोगों को अरेस्ट किया है कुछ है? देखिए, एक व्यक्ति जो यहाँ का संचालन कर रहा था उसकी अरेस्टिंग हुई और अभी जो ड्रग्स विभाग है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे क्या ऑप्शन है और इसमें क्या आगे एक्शन। थैंक यू वेरी मच।